अध्यक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं। कोषागार, पुलिस थानों और उपखंड कार्यालय में भारी सशस्त्र गार्ड के साये में रखा। 26 सितंबर को परीक्षा आयोजन तिथि को प्रातःकाल 6 बजे से सशस्त्र पुलिस सुरक्षा गार्ड के साथ राज्य में रीट परीक्षा के लिए गठित 3,993 परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना किया। रीट कंट्रोल रूम को इस समय तक पूरे राज्य में कहीं भी प्रश्न पत्रों के खुलने लीक होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी तरह जिस उत्तर तालिका के बोर्ड के गोपनीय शाखा से लीक होने की बात सांसद महोदय द्वारा कही जा रही है, वह उत्तर तालिका आज दिनांक तक कहीं भी मुद्रण हेतु प्रेषित नहीं की गई, न ही ये उत्तर तालिकाएं मुद्रित होती है। मूल उत्तर तालिका बोर्ड के लॉकर में आज तक सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा का जिम्मा केवल मेरा है, न कि बोर्ड में किसी गोपनीय कार्यकर्ता का है। ये उत्तर तालिका विभिन्न विषय विशेषज्ञों से बनाकर लिफाफे में सील्ड कर स्वयं के परीक्षक के हस्ताक्षर कर बोर्ड को सौंपी जाती है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र से लेकर बोर्ड द्वारा आयोजित यथा रीट, NTSC, बोर्ड की परीक्षाएं इत्यादि का संपूर्ण गोपनीय कार्य मेरे मार्गदर्शन में किया जाता है। यह कहना कदापि सही नहीं है कि रीट की अधिकृत उत्तर तालिका मोबाइल पर वायरल हुई। बहुत ही सरल है किसी पर आक्षेप लगाना, परंतु जो लोग व्यवस्थाओं से जुड़कर किसी बड़े आयोजन को मूर्त रूप देते हैं और इससे प्रदेश या संस्था का इकबाल बुलंद करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उन्हें आरोपित करना कहाँ तक उचित है। मैं इसका निर्णय आप सभी पे और प्रदेश की जनता पर सौंपता हूँ। मैं आपको आज इस अवसर पर प्रश्न पत्र भी दिखाना चाहता हूँ कैसे पैक होते हैं, जिससे आपको आभास होगा। ये कहते हैं कि प्रश्न पत्र खुले चले गए, खुले कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ही प्रश्न पत्र इस तरीके से पैक होते हैं। इवन क्लास 10, 12 के भी ऐसे होते हैं। यह इजाद हमने नहीं की है, मेरे जैसे कई चेयरमैन आए पहले, और डे बाई डे परीक्षा में सुधार होता है। उसी क्रम में पुराने चेयरमैन से कई वर्षों से ऐसे चल रहे हैं। आप देखिए प्रश्न पत्र की 12 बुकलेट होती है। मैं इसलिए दिखाने आया हूँ जनता को सब पता लगे, दूध का दूध। इसमें 12 बुकलेट होती है, जैसे 4 टाइप की होती है, ABCD, इस बार थी JKLM। 12 बुकलेट 4 टाइप की होती है, क्या एक जंबलिंग होती है। एक में तो सिर्फ होते हैं, फिर प्रश्न वही होते हैं, लेकिन जंबलिंग होती है जिससे आसपास बैठा हुआ बच्चा नकल नहीं कर पाए। ये इस पॉलीथीन में सील्ड होती है और ये सील्ड पॉलीथीन इस पॉलीथीन में होती है। और ये पॉलीथीन कैसी, आप देख सकते हैं कि अगर इसको 5 मंजिल से भी डाल दिया जाए तो ये फटने वाली टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक इतना मजबूत होता है। प्रत्येक एनवेलप पे उसके सीरियल नंबर लिखे होते हैं कि इसमें बुकलेट कहाँ से कहाँ तक की है, जो सीरियल नंबर। प्रत्येक बुकलेट कैसे पैक होती है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये कहते हैं कि हमको खुली हुई मिली। आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले परीक्षा होने वाली थी सबसे पहले 25 अप्रैल। ये उत्तर पुस्तिकाएँ कब छप गई, फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च के बाद जब यहाँ हमारे ट्रेजरी में आती है 2 ट्रक माल एक जिले का, यहाँ जगह नहीं रहती है। पूरे राजस्थान के लगभग 50 कंटेनर आते हैं बंद, उनमें रहती है, तो जिस प्रेस पे प्रिंट होती है क्या आप सोच सकते हो वो कहाँ रखेगा। उसने नेचुरली दूसरे गोडाउन में रखी, हमने कहा जून में होगा, फिर तीसरे में रखी। जब रखते हैं तो मजदूर होता है, हालांकि इसमें पैक होती है ऐसे 8 लिफाफे एक डब्बे में पैक होते हैं, फिर वो डब्बा भी सील होता है। लेकिन डब्बे जब आप फेंक दिए तो प्रत्येक बुकलेट भी, ये कहते हैं साहब सील खुली मिली। पहले यहाँ सील्ड होती थी, ऐसे टेप लगती थी। इस बार हमने रिवर्स जैकेट करवाया। रिवर्स जैकेट का मतलब होता है कि ये जो कागज़ है ऊपर से इधर तक आ रहा है। आप ये देखेंगे कैसे आया, ये ऐसे, मतलब ये कागज़ पूरा फोल्ड होके आ रहा है। ये फोल्ड होके आ रहा है, यहाँ बीच में ऐसी हल्की लाइन होती है, जिसको बच्चा जब परीक्षा सेंटर पे जाएगा तो इस तरीके से इसको खोलेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि ये फेंकने में इधर से उधर, क्योंकि लिफाफे में जा रही है। जब 6 महीने तक
हम किसी को कहेंगे तुम रख सुरक्षा में, तो कदाचित कोई, मैं सारी दिखाता हूँ आपको ये जिस तरीके की है, तो ये या फिर ट्रेजरी में भी जाता है, वहाँ पे भी फेंकेगा मजदूर तो ये, लेकिन पूरी कहीं नहीं खुली है। अगर कोई खुल गई होगी तो, लेकिन वो इस पर आक्षेप लगाना, सब बुकलेट खुली हुई है, कोई बुकलेट खुली नहीं है, ये सारी बुकलेट ऐसे रिवर्स जैकेट होती है, जो ये भी नहीं दोबारा पैक हो सकती हो। इसलिए जो पैकिंग की व्यवस्था है राजस्थान में ऐसी कहीं नहीं होती है। और फिर आपको बताऊंगा, फिर भी हमारी प्रेस की रेट जो है इसकी शायद सबसे कम है। मैंने इस वर्ष दिया, आपको आश्चर्य होगा, 2018 में जिस कीमत पे प्रिंटिंग दी गई थी वही कीमत पे अभी मैंने दी है, जबकि 3 साल में आप समझ सकते हो, फरवरी में जो 17 में हुआ था उनका एग्रीमेंट, 4 साल में पेट्रोल डीजल का कितना भाव बढ़ा है। और प्रेस वाले का ही दायित्व होता है कि प्रत्येक जिले पे हमारे बताए अनुसार नंबर अनुसार सेंटर वाइज डिब्बे सेंटर वाइज पैक होते हैं और वो हमारे ट्रेजरी में जाते हैं। इसलिए हमारे सांसद कहते हैं कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता बोर्ड ने भंग करी, उनको मैं खुला आपके सामने खुला आमंत्रण दे रहा हूँ, वो सामने आकर बैठे, अगर बोर्ड के लेवल पर कहीं भी प्रश्न पत्र की या उत्तर तालिका की इस तरीके की अगर कुछ हुई है, मैं अपनी पेंशन अपने जिंदगी भर की जो कमाई है मैं सरकार को दूंगा, नहीं तो सांसद महोदय अपना इस्तीफा दे, अविलंब इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने आक्षेप बोर्ड कर्मचारियों पर नहीं लगाया, ये मेरे पे नहीं लगाया, राजस्थान की जनता पे लगाया है, अजमेर पूरे अजमेर शहर पे लगाया है। बहुत ही सरल है कि किसी पर आक्षेप लगाना, परंतु जो लोग व्यवस्थाओं से जुड़कर किसी बड़े आयोजन को मूर्त रूप देते हैं, इससे प्रदेश या संस्था का इकबाल बुलंद करते हैं, उसके हौसला अफजाई करने के बजाय उन्हें आरोपित करना कहाँ तक उचित है। मैं इसका निर्णय प्रदेश की जनता पर छोड़ता हूँ। बोर्ड की स्थापना